तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखने वाले कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसको वन बाय वन आराम से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम पहले अपने जुपिटर को अपने फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। ओके, MD Jupyter Notebook। अब ये हमारा Jupyter ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा Jupyter ओपन हो गया। ये वाली हमने फाइल बनाई थी लास्ट वीडियो में, तो इसे ओपन करते हैं। चलिए इस फाइल को पहले रीनेम कर देते हैं यूट्यूब करके। ओके, और ये है हमारा लास्ट वीडियो जो हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया था, और उसके बारे में भी आपको मैंने समझाया था कि भाई प्रिंट जो वो स्टेटमेंट है जिसको पाइथन में आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड है उसको हमने एक स्ट्रिंग है वो, तो उसकी वजह से हमने इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। अब चलिए इस डबल कोटेशन को निकाल देते हैं। तो ये क्या होगा, तो ये रन नहीं होगा, एक एरर थ्रो करेगा, बिकॉज के परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमास। कॉमास मीन्स के इसमें जो डबल कोटेशन है वो रह गए हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ओके, तो ये क्या किया हमने, एक स्ट्रिंग प्रिंट की। ओके, अब प्रिंट करते हैं एक नंबर, ये देखें 5। तब 5 को प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट हो गया। और 5 में हमने डबल कोटेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि वो एक इंटीजर है। इंटीजर मीन्स के कॉन्स्टेंट है। ओके, अब जब भी कोई कॉन्स्टेंट होता है, मीन्स के जब भी कोई इंटीजर होता है, तो उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने वेरिएबल में डाल सकते हैं। ओके, अब ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट तो हम आगे पढ़ेंगे, बट आप यहाँ समझ लीजिए कि आपको जब भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना होता है कभी, तो आपको डबल कोटेशन में प्रिंट करने का, और जब आप एक कॉन्स्टेंट मीन्स कि आप एक इंटीजर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ देखते हैं कि हमें कोई कैलकुलेशन करना है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन दिखाना है इसमें, छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो ऐसे प्रिंट करते हैं और फिर 5 × 5 मर्स के 5 का स्क्वायर देखते हैं, तो 25। ओके, तो आप यहाँ पे जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और वो आपके आउटपुट में शो हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको प्रिंट के द्वारा अवेलेबल होती है। और प्रिंट स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसमें आप वेरिएबल के थ्रू भी आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं, और वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, अब यहां पे देखा हमने 5 × 5, फिर हम देखते हैं 5 − 5, तो इसको भी प्रिंट किया, तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई जो भी हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और उसके अलावा बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो सबको इसमें डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ओके, जैसे 10 आ गया। ओके, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। ओके, तो इसका यही फायदा है कि आप जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं उसको बखूबी कर सकते हैं और उसको आराम से आप इजीली कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बस यही चीज़ थी इसमें कि आप पहले प्रिंट कीजिए, फिर अपने आप से अपने एंड से ये जो कांस्टेंट है इंटीजर है वो उसको प्रिंट कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए उसमें कोई छोटे से मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविज़न या फिर कोई सब्ट्रैक्शन ऐसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, उसके बाद अपने आप से देखिए। ओके, जब तक ये चीज़ आप नहीं करोगे, मीन्स के आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज़ की, तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी इसमें, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ में। ओके, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोज़ में हम नए नए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में।